चलो बच्चों, तो फिर आज से रिवीजन स्टार्ट करें ना। तो आज रिवीजन का फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे का जो हमारा शेड्यूल है, आज 18th ऑफ नवंबर, आज पहले दिन का हमारा शेड्यूल, आपको मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है और गुजराती में चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करना है। मैथ्स के चैप्टर 1 में आप बेसिक के स्टूडेंट हो के स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट हो, उसके अकॉर्डिंग ध्यान देना। बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए चैप्टर 1 में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सम्स नहीं आएंगे। तो आप प्रैक्टिस उसके हिसाब से करो, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स के प्रैक्टिस करो। और जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो 2 मार्क का एक सम आएगा सेक्शन बी में, और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव। बेसिक वालों को सिर्फ 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जबकि स्टैंडर्ड वालों को 2 मार्क का एक सम और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो उसके हिसाब से करो। और चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स है उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो HCF एंड LCM के सम्स आते हैं। एक सम आता है आपका प्रूव दैट वाले, जो प्रूव दैट द नंबर इज इरेशनल, ऐसे क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड वालों को क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएंगे जो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। तो फिर फटाफट से इसका रिवीजन स्टार्ट करें ना हम लोग। चलो देखते हैं फिर, तो एक एक करके मेथड हम लोग शुरू करें ना। सबसे पहले HCF और LCM की मेथड समझनी है। देखो, इसके सम्स तो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को आते हैं, लेकिन बेसिक मैथ्स वालों को ऑब्जेक्टिव में भी HCF और LCM पूछा जा सकता है, कि सिंपल क्वेश्चन, कोई जो है ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं। तो इसलिए HCF LCM की मेथड समझ लेना। जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं उसके थ्रू समझा रहा हूँ ये मेथड। मैथ्स में ना हर एक सम जो है वो करने की कोशिश मत करो, मीन पहले मेथड सीखो, कि एग्जाम में नंबर कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है HCF और LCM ढूंढना है 80 और 120 का, तो अब मेथड समझो कि कैसे ढूंढना है। बाकी वहाँ नंबर तो कोई भी पूछेंगे। आप 100 सम की भी प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल है कि वहाँ पे उन 100 में से एक भी क्वेश्चन आए, कोई अलग ही नंबर आएगा। इसीलिए 10th वालों को मैथ्स में हमेशा बोला जाता है कि स्मार्ट वर्क रखो, मेथड्स याद रखो, थियरी याद रखो आप लोग, कि जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सको। रट्टा नहीं मारना है, 10th मैथ्स में रट्टा पॉसिबल ही नहीं है, आपको मेथड ही सीखनी पड़ती है। मैं कुछ सम्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ लॉजिकल भी बताऊंगा कि देखो इसको ऐसे भी आएगा, ठीक है, तो समझना उसे ध्यान से। तो पहले HCF और LCM ढूंढे, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है 80 और 120 का, ये 2 नंबर का HCF LCM ढूंढना है, या कभी 3 नंबर का पूछते हैं जैसे 12, 72, 120। मैंने ये एग्जाम्पल लिया, एग्जाम में कोई भी 3 नंबर पूछे, कोई भी 2 नंबर पूछे, हम ढूंढ सकते हैं ना उससे। मेथड सीखो आप लोग। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, ऐसा फैक्टर जो इससे डिवाइड होता हो, ठीक है, और जो इसको डिवाइड करता हो, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करता हो। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे LCM मल्टीपल ढूंढना है जो इससे डिवाइड होता हो, बरोबर ना। तो चलो समझते हैं, पहले जो है वो ये नॉर्मल मेथड ही समझ लो कि 80 और 120 का HCF और LCM अगर ढूंढना है तो पहले इनके फैक्टर्स करने पड़ते हैं। रफ में पहले फैक्टर्स कर लो, कि सपोज 80 के अगर हमें फैक्टर्स करने हैं, आप वो जो टेक्स्ट बुक की है ट्री मेथड से वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में ऐसे पूछते हैं ना कि भाई 80 के फैक्टर्स करने हैं, तो इस तरह से कभी कभार जो है वो 2 मार्क्स में सिर्फ फैक्टर ही पूछ लेते हैं, कोई बड़ा नंबर दे दिया जाता है कि भाई इसके खाली फैक्टर लिखो, ठीक है ना। 2 मार्क में ऐसा भी पूछते हैं, या ऑब्जेक्टिव्स 1 मार्क में भी ऐसा कभी पूछा जाता है कि खाली फैक्टर्स लिखो उसमें और कुछ भी नहीं, तो वो भी ध्यान में रखना एक, ठीक है ना। मैं जब ये पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा ना, सब टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, तो उसके अंदर बीच बीच में बताता जाऊंगा कि एग्जाम में देखो ऐसा भी आ सकता है, देखो ये भी हो सकता है, बरबर। क्योंकि मैथ्स में वही बात है, मेथड याद रखो, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, तो कैसे पूछ सकते हैं मैं बताता जाऊंगा, सुनते जाना ध्यान से। तो जैसे पहले 80 के फैक्टर्स करें, ऐसे फैक्टर करते हैं कि पहले 2 से हम लोग फैक्टर करते हैं तो वो 40 आएगा, फिर जो है वो इसको और 2 से करो 20 आएगा, फिर और 2 से डिवाइड करो इसको 10 आएगा, ठीक है ना। इसको 2 से डिवाइड करना है कि 2 की टेबल में ये कब आता है, अब 10 को और डिवाइड करो कि 10 2 की टेबल में कब आता है, 5। अब 5 का आगे और नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कि भाई 80 के फैक्टर क्या हो गए, तो 80 के फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं जो बाहर के नंबर है, जिसके हमने फैक्टर्स नहीं किए, जिसको डिवाइड नहीं किया, वो सब हमारे फैक्टर्स है ना, ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमारे, सब प्राइम नंबर ही है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब प्राइम नंबर्स ही इसमें आते हैं। कॉम्पोजिट नंबर कभी नहीं लिखते कि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 6 से डिवाइड कर रहे हो, नहीं करते, यहाँ हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हुए, जैसे 2, 2, 2, ये भी 2 और ये 5, ऐसे हुआ ना। तो भाई यहाँ पे लिखते हैं कि 2, 2, 2 चार बार आया है, तो 80 का फैक्टर हुआ 2 पावर 4 और 1 5 आया है, तो सिर्फ 5, ये 80 के फैक्टर्स हो गए। ये रफ वर्क करना है भले, ठीक है ना, एग्जाम में ये नहीं बताना, साइड में या रफ पेज पे किया करो।
फिर वैसे ही 120 के फैक्टर्स करें, तो 120 के अगर हम फैक्टर्स करें तो उसको भी पहले 2 से डिवाइड करेंगे कि 260 है, फिर और 2 से डिवाइड करेंगे तो 230 है, फिर और 2 से डिवाइड करेंगे तो 215 है, 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे कि 35 है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें आए ये 2 आया 3 टाइम्स, एक 3 और एक 5, ये फैक्टर्स हुए, मतलब 120 के फैक्टर्स हुए हमारे कि 2 पावर 3, 2 आया है 3 टाइम्स, 3 एक ही बार आया है तो वो 3, और जो है वो 5 एक टाइम आया है तो वो 5, बराबर। ये दोनों के फैक्टर हो गए। अब इसके ऊपर से हमें HCF और LCM ढूंढना है। फैक्टर्स हो गए, अब HCF और LCM हमें फाइंड करना है। अच्छा, HCF और LCM कैसे ढूंढते हैं? तो उसके लिए बेसिक सा ये एक रूल याद रख लिया करो, बेसिक सा ये रूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कभी दो नंबर हो या तीन नंबर हो, कैसे भी HCF कैसे ढूंढते हैं, तो HCF के लिए स्टेप आते हैं कि जो आपने फैक्टर कर लिए ना उसमें से फाइंड द कॉमन नंबर्स, दो स्टेप आते हैं कि पहले फाइंड कॉमन नंबर्स एंड सेकंड सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ देम, बराबर। ये दो स्टेप में HCF ढूंढते हैं कि फाइंड द कॉमन नंबर। तो भाई जैसे ये दो फैक्टर किए, इन दो में दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, तो अगर आप कॉमन नंबर ढूंढो ना, जैसे दोनों में 2 कॉमन है, फिर उसके बाद दोनों में 5 कॉमन है, ये कॉमन नंबर्स है ना कि ये 2 कॉमन 5 कॉमन, 3 नहीं है दोनों में कॉमन। तो HCF में पहला फाइंड कॉमन नंबर्स, ये कॉमन नंबर ढूंढे एंड सिलेक्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ देम। स्मॉलेस्ट ऑफ देम मतलब कि दोनों कॉमन नंबर में जिसका पावर स्मॉलेस्ट हो वो HCF में सिलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना जिसका स्मॉलेस्ट पावर हो। मतलब देखो, अगर ये 2 कॉमन है तो यहाँ 2 पावर 4 है, यहाँ 2 पावर 3 है, तो HCF के लिए क्या सिलेक्ट किया जाता है? जिसका स्मॉलेस्ट पावर हो, ध्यान देना। तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा हुआ? ये 2 पावर 3, 2 पावर 3 स्मॉलेस्ट हुआ ना, तो वो HCF में। दूसरा 5 कॉमन है तो 5 में भी स्मॉलेस्ट पावर, तो 5 में तो दोनों में सेम पावर है, ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 ही होता है ना, पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1, दोनों में 1 ही पावर है तो ठीक है वही लेंगे, दोनों में सेम है तो वही लेंगे ना। अगर अलग अलग हो, इसका 3 पावर इसका 4 पावर, बराबर, तो उसमें क्या करते हैं? तो उसमें स्मॉलेस्ट पावर ही लेते। तो फाइंड कॉमन नंबर एंड सिलेक्ट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ देम। तो जैसे 2 और उसमें स्मॉलेस्ट पावर 2 पावर 3, फिर ये 5 और उसमें स्मॉलेस्ट पावर ये 5 है। अगर यहाँ ऐसा होता कि 5 स्क्वायर है, ऊपर 5 पावर 2 होता, नीचे 5 पावर 1 होता, तो हम ये स्मॉलेस्ट पावर 5 पावर 1 लेते, बराबर ना, खाली 5। पर अगर दोनों में सेम ही है, दोनों में 5 5 ही है, तो वही नंबर लेंगे। और ये दो स्टेप हो गए, नंबर सिलेक्ट कर लिए तो हमारा आंसर। अब आंसर अगर इसको लिख लो तो 2 पावर 3 होता है 8, 2 पावर 3 ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और यहाँ पर इंटू 5, तो 8 5 जा 40, HCF हो गया हमारा 40 का। और LCM अगर हम लोग फाइंड करें कि भाई LCM कैसे ढूंढा जाता है, तो LCM के लिए ये स्टेप है सिंपल कि फाइंड कॉमन नंबर्स, सेकेंड स्टेप सिलेक्ट लार्जेस्ट पावर ऑफ देम, और थर्ड स्टेप सिलेक्ट रेस्ट ऑफ नंबर विद लार्जेस्ट पावर, बरोबर। तो अब LCM के लिए ये स्टेप याद रखो। अब अगर LCM ढूंढना है इसमें तो फाइंड कॉमन नंबर्स, कॉमन नंबर ढूंढे तो भाई कॉमन 2 2 है, 5 5 है, ये कॉमन, सिलेक्ट लार्जेस्ट पावर ऑफ देम। अब LCM के लिए लार्जेस्ट पावर, जैसे 2 कॉमन था, 2 पावर 4 2 पावर 3, तो उसमें लार्जेस्ट पावर कौन सा है? 2 पावर 4 है, तो उसे लिखेंगे LCM में 2 पावर 4, वो लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना, ये लार्जेस्ट नंबर 2 पावर 4। और उसके बाद जो है वो दूसरा 5 कॉमन है, तो 5 में लार्जेस्ट दोनों सेम ही है, दोनों में 1 पावर ही है, दोनों सेम, तो लार्जेस्ट पावर भी 1 ही लेंगे, वही लेंगे 5। और उसके बाद एक स्टेप आता है कि सिलेक्ट द रेस्ट ऑफ नंबर विद लार्जेस्ट पावर। रेस्ट ऑफ नंबर मतलब जो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन था, 5 कॉमन था, इसके अलावा 3 कॉमन नहीं है, ये नहीं है ना कॉमन दोनों में, तो वो भी लेना है हमें, बराबर। और उसमें भी जो लार्जेस्ट पावर हो, खाली 3 अकेला नहीं, अगर सपोज यहाँ पे होता 3 पावर 2 तो 3 पावर 2 लेते हैं हम लोग, बराबर। जो नॉन कॉमन नंबर या अलग रेस्ट ऑफ नंबर्स में सिर्फ 3 मत ले लेना, जो उसका पावर हो वो लार्जेस्ट पावर के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमन नंबर लिए, उसका लार्जेस्ट पावर, फिर रेस्ट ऑफ नंबर्स, बाकी के नंबर भी लिखने, तो बाकी का नंबर हमारा 3 अकेला है जो कॉमन नहीं था, तो वो 3 भी लिखेंगे इसमें, बराबर ना। ये हमारा LCM हुआ। अब इसका सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन अगर ढूंढो, गेट 2 पावर 4 वो होता है 16, बराबर, 16 साथ में ये 5 रहेगा और उसके साथ ये 3, तो यहाँ पे हो जाएगा कि भाई 16 5 जा 80 और 80 3 जा 240, मतलब LCM हमें कितना मिल जाएगा, तो वो 240 मिल जाएगा हमें। अरे बात ध्यान,
तो ये HCF और LCM हुआ ना, ये मेथड याद रखो, मेथड याद रखो कैसे करना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे, भले ऑब्जेक्टिव में पूछे कि 2 मार्क के सम्स में पूछे, ठीक है ना, मेथड याद रखना। कभी 3 नंबर में भी आता है कि चलो 3 नंबर के लिए हमें 1272 और 120 का HCF और LCM ढूंढना है, बराबर। तो उनके लिए अगर हम लोग बात करें तो भाई जैसे 12 है तो 12 के भी फैक्टर्स पहले फैक्टर ही कर लेना, तो 12 को 2 से डिवाइड करें 2 6 जा, और 6 को और 2 से डिवाइड करें 2 3 जा। अब 3 का डिवाइड नहीं होता है, बराबर ना, तो वो वैसे ही रहेगा कि भाई यहाँ पर 12 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 आया है 2 टाइम्स और एक 3, मतलब कि 2 पावर 2 इंटू 3, बराबर, ये 12 के फैक्टर्स। उसके बाद 72 के अगर फैक्टर्स करें कि 72 के हम लोग फैक्टर्स करें यहाँ पर, तो उसको 2 से करेंगे वो 36, बराबर, और जो है वो 2 से करेंगे इसको तो वो 18, और 2 से डिवाइड करें 2 9, और 9 को 2 से नहीं होगा, उसको 3 से डिवाइड करें 3 3, मतलब 72 के लिए हमारे फैक्टर आए हैं 2 2 2, 3 टाइम्स है, और 3 3, 2 टाइम्स है, मतलब उसके फैक्टर्स होंगे 72 के 2 पावर 3, 2 3 टाइम्स आया, और 3 2 टाइम्स, तो वो 3 पावर 2, 72 के फैक्टर्स। और थर्ड 120 के फैक्टर्स करें तो 120 के फैक्टर्स भी ऐसे ही जो हमने यहाँ इस सब में ढूंढे भी थे, तो अगर मैं वही लिख दूँ 120 के फैक्टर्स, तो वो 120 के फैक्टर्स थे 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, अब एग्जाम में ढूंढ सकते हो ना वैसे ही 120 को। तो ये 3 नंबर भी हो गया ना, अब इसका भी हमें HCF और LCM ढूंढना है, HCF और LCM। तो HCF अगर ढूंढे तो वही जो है वो रूल कि पहले कॉमन नंबर और सिलेक्ट स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन नंबर जो तीनों में कॉमन हो, ये चीज ध्यान रखना, जो तीनों में कॉमन हो। अब तीनों में कॉमन 2 है और 3 भी है, तीनों में कॉमन, बराबर, 2 भी और 3 भी, ये तीनों में कॉमन है, तो जो कॉमन नंबर और उसमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो अब 2 है, 2 में स्मॉलेस्ट पावर, देखो यहाँ 2 पावर 2 है, यहाँ 2 पावर 3, यहाँ पे भी 2 पावर 3, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा हुआ, 2 पावर 2 हुआ, बराबर, तो वो स्मॉलेस्ट पावर 2 पावर 2 इंटू ये 3 में अगर देखें, ये 3 में देखें कि यहाँ पर 3 3 पावर 2 और ओनली 3, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा हुआ, तो स्मॉलेस्ट पावर 3 हुआ, बराबर, तो उसे दे देंगे 3। अरे बात ध्यान, अब दूसरा 5 तो कॉमन है नहीं, तो ये हमारा आंसर, अगर आंसर लिख दो यहाँ पे कि 2 पावर 2 4 हुआ और इंटू ये 3, तो 4 3 12, कि HCF हो गया हमारा 12। और LCM अगर ढूंढें तो LCM में भी वही फाइंड कॉमन नंबर्स, कॉमन ढूंढे कि ये 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, सिलेक्ट लार्जेस्ट पावर ऑफ देम, उसका लार्जेस्ट पावर हमें सिलेक्ट करना है, तो लार्जेस्ट मतलब 2 देखो तो उसमें लार्जेस्ट पावर 2 पावर 3 है, दोनों में सेम ही है ना, तो वही हुआ ना 2 पावर 3, कि 2 पावर 3 लार्जेस्ट, 3 कॉमन है, तो 3 में भी लार्जेस्ट पावर कौन सा, तो 3 पावर 2 है वो। और उसके बाद एक ये खास स्टेप LCM के लिए कि सिलेक्ट रेस्ट ऑफ नंबर विद लार्जेस्ट पावर, बाकी का नंबर जो कॉमन में नहीं है वो भी लेने हैं, और उसमें भी लार्जेस्ट पावर। अब कभी ऐसा होता है कि 3 नंबर हो तो 3 में जो तीनों में कॉमन हो वही यहाँ पे लिखते हैं, जो कॉमन नंबर्स है वो तीनों में होने चाहिए। अब कभी ऐसा हो कि सपोज यहाँ पे भी अगर दिया हुआ है 5 पावर 2, यहाँ नहीं है 5 और यहाँ 5 है, तो उसको कॉमन में नहीं लेना है, 2 में कॉमन हो उसको ये कॉमन नहीं, उसे रेस्ट ऑफ नंबर्स में लेना है, बराबर, ये चीज ध्यान देना, कॉमन नंबर में जो तीनों में कॉमन आता हो, 2 में हो उसे कॉमन नहीं गिनेंगे, उसे ये रेस्ट ऑफ नंबर्स में गिनेंगे, और रेस्ट ऑफ नंबर्स में भी लार्जेस्ट पावर लिखते हैं, कि सपोज अगर 2 में कॉमन आ रहा है तो दोनों नहीं लिखने के, ये 5 भी लिख दिया 5 पावर 2 भी लिख दिया, नहीं, कोई भी नंबर एक ही बार लिखना होता है उसका लार्जेस्ट पावर। HCF LCM में ये बात याद रखना, कोई भी नंबर एक ही बार लिखना है, 2 2 ऐसे जो है वो 2 बार 3 बार नहीं लिखने, 5 भी है रेस्ट ऑफ में दोनों लिखें ऐसा नहीं, एक ही बार और उसका लार्जेस्ट पावर LCM के लिए। तो अगर कभी ऐसा भी होता है कि 5 और 5 स्क्वायर दिया हुआ है तो लार्जेस्ट पावर लिखते 5 स्क्वायर, बराबर, पर ऐसा सपोज है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ नंबर में ये 5 है ना अकेला, तो वो अकेला 5 लिखेंगे और फिर जो है वो LCM में लिखें। तो अब अगर LCM करें इसमें तो 2 पावर 3 हो जाता है 8, 3 पावर 2 हो जाता है 9, है ना, 3 स्क्वायर और इंटू 5, और आंसर ढूंढें कि 8 9 72, 72 इंटू 5 करो तो वो 360 होता है, तो LCM मिल जाएगा इसका 360। अरे बात ध्यान, ये HCF और LCM की मेथड ध्यान आई, पहले एक एक मेथड समझा रहा हूँ फिर इसके लॉजिकल क्वेश्चन भी देखेंगे।
कि एग्जाम में कैसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, पहले बेसिक मेथड तो सीख लेना, फिर आ जाएगा उसमें। अरे बात ध्यान, ठीक है। तो ये HCF और LCM, इसकी ये मेथड याद रखो। अब ये जो इरेशनल नंबर्स आते हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव की भी बात करते हैं हम लोग। चलो अब जैसे ये दूसरी मेथड समझे कि जिसमें आपको कोई नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है कि प्रूव दैट दैट नंबर इज इरेशनल। अब इसमें ना दो पार्ट है, एक आपको जब सिंगल नंबर पूछा जाता है, सिर्फ ऐसे पूछा जाता है कि सपोज √5 इज इरेशनल, इसे प्रूव दैट प्रूव करना है हमें, बराबर ना, मैंने लिखा नहीं पूरा, पर सपोज √5 इज इरेशनल, ऐसे प्रूव करना है। तो सिंगल नंबर का प्रूफ हो ना, तो उसका प्रूफ जो है वो एक लॉन्ग प्रूफ आता है, पूरे जो है वो हमें डिटेल बतानी पड़ती है, प्रूफ बताना पड़ता है कि कैसे ये आया। आपको ध्यान भी है कि टेक्स्ट बुक का इसका लॉन्ग क्वेश्चन है ना। पर अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बेसिक वालों को तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि उनको आते ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव हैं। ये रूट वाले क्वेश्चन उनको बिल्कुल भी नहीं आते। ऑब्जेक्टिव में बेसिक वालों को ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई ट्रू ऑफ फॉल्स की तरह, ब्लैंक्स की तरह, कि भाई सपोज 3 + √2 रैशनल है कि इरेशनल है, ऐसे ब्लैंक्स में बताओ या ट्रू ऑफ फॉल्स में बताओ, ऐसे ऑब्जेक्टिव में ये रैशनल इरेशनल की मेथड आएगी। उनको प्रूफ दैट बेसिक वालों को बिल्कुल नहीं आएंगे। HCF LCM की मेथड बेसिक वालों को आएगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। ये प्रूफ दैट वाली मेथड बेसिक मैथ्स वालों को नहीं आएगी, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को आ सकती है, और उसमें भी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना प्रूफ का, वो नहीं आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि भाई जब डबल नंबर, क्योंकि 3 + √2 इरेशनल बताना है, 5 √3 इरेशनल बताना है, दो दो नंबर, सिंगल नंबर हो वो इरेशनल नहीं आता है एग्जाम में। अब प्रैक्टिस ना करो तो भी ठीक है, और सपोज अगर आपको करनी भी है तो वो रिविजन में अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इस एक रिविजन में वीडियो बहुत लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है वो आंसर की एक लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, जो हमारे लॉन्ग सम्स में प्रूव किया हुआ है, ठीक है ना, जो रेगुलर वीडियोस में प्रूव किया हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप उसमें से भले एक बार देख सकते हो। इसे मैं बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे करते हैं अगर ये एग्जाम में आए, और ऑलमोस्ट ऐसे ही आते हैं। तो सिंपल, अगर इनको इरेशनल प्रूव करना है ना, तो पहले वही मेथड कि इसको सपोज करते हैं, कि ये रैशनल है, सपोज किया जाता है कि ये रैशनल है, और जो है वो फिर हमें खुद के ही सपोज को गलत बताना होता है, ऐसे करना होता है ना इसको प्रूव। तो अगर इसे प्रूव करें कि 5 √3 इरेशनल है, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि सपोज 5 √3 इज रैशनल नंबर, कि सपोज वो रैशनल है। तो अगर रैशनल नंबर है तो उसकी कंडीशन लिखी जाती है कि सो 5 √3 इक्वल टू ए अपॉन बी, पता है ना, कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। ये तो 9th से रूल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पी अपॉन क्यू फॉर्म लिखो या ए और बी लिखो, कि भाई कोई भी अगर रैशनल नंबर है, सपोज हमने किया कि ये रैशनल है, तो मतलब उसको ए और बी में लिखा जाएगा, ठीक है ना। और ए और बी में लिखा जाएगा वेर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी कैसे होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे, कि को प्राइम मतलब दोनों सेम टेबल में नहीं आते, ऐसा, ठीक है। तो ये कंडीशन लिखेंगे कि अगर √5 √3 रैशनल नंबर है, तो उसको ए अपॉन बी फॉर्म में लिखा जाएगा। और ये भी खाली एक कंडीशन है, ये कंडीशन शॉर्ट सम्स में ना लिखो तो भी ठीक है। तो हमें कैसे बताना है कि इसको अगर इरेशनल बताना है, हमारा सपोज अगर गलत बताना है, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है ना, उसमें रूट के अलावा बाकी की चीजें जो है वो उस तरफ ले जाते हैं, क्रॉस में ले जाते हैं, कि रूट यहीं पे रहेंगे, बाकी क्या, अब रूट के अलावा बाकी का 5 है 5 √3 में, तो 5 को जो है वो यहाँ ले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, 5 को क्रॉस में। तो ऐसे लिखेंगे कि यहाँ √3 रहेगा और इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू 5, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा बी के साथ, बरबर ना। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, प्लस हो तो उस तरफ माइनस में ले जाएंगे, कैसे भी, बरबर, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, और प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, ऐसे उस साइड ले जाएंगे। यहाँ खाली रूट रखना है और एक सेंटेंस लिखना है, जो सबसे जरूरी सेंटेंस इसका, कि यहाँ बताएंगे कि यहाँ इक्वल टू √3 है, बट ये बताएंगे कि √3 तो इरेशनल है हमारा, क्योंकि वो ऊपर अलग से एक प्रूफ आता है, सिंगल डिजिट का प्रूफ आता है ना पूरा लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ बताएंगे कि √3 तो इरेशनल है, तो अगर √3 इरेशनल है, तो उसके साथ वाले ए और बी वो भी इरेशनल ही होगा, उसकी इक्वालिटी वाले ये भी इरेशनल होंगे, बराबर, इसीलिए हमारा सपोज गलत होगा और ये नंबर इरेशनल ही है, ठीक है। एक सिंपल सा यही स्टेप लिखना होता है कि उसको ए अपॉन बी करके लिखेंगे, ठीक है, और रूट के अलावा बाकी का नंबर यहाँ ले जाएंगे, और नीचे सेंटेंस लिखेंगे कि इस तरफ खाली रूट बचा ना, तो लिखेंगे कि बट
रूट थ्री इज इरेशनल, इरेशनल एंड इट्स इक्वालिटी इज ऑल्सो इरेशनल, के रूट थ्री इरेशनल है और उसकी इक्वालिटी ये भी जो है वो इरेशनल होगा, और अगर ये भी इरेशनल होगा ए और बी तो मतलब हमारा सपोज रॉन्ग है। तो यहां लिख सकते हैं कि सो आवर सपोज इज रॉन्ग एंड फाइ रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। बराबर, क्या हमारा सपोज रॉन्ग हुआ और फाइ रूट थ्री इरेशनल ही है, बराबर ना? ऐसे टू मार्क में पूछा जाता है, शॉर्ट में यही लिखना है। कोई भी नंबर हो ना, सिंगल डिजिट के अलावा कोई भी हो तो ऐसे ही लिखना है हमें। अब सपोज कभी ऐसे भी है कि 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, ऐसे दिया हुआ कि 3 प्लस रूट 2 इरेशनल है, इसे प्रूव करना है, तो ये भी वैसे ही कि सबसे पहले लिखें कि वो रेशनल है। कि सपोज करो कि सपोज कि 3 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर, तो अगर वो रेशनल नंबर है तो यहां पे लिखेंगे कि सो 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, कि 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, बराबर ना? ऐसे ही ए अपॉन बी सपोज करेंगे, जहां भले ब्रैकेट लिखना हो तो लिख भी सकते हो कि जहां पे ए और बी वो को प्राइम है, और सिर्फ क्या करना है कि रूट को इक्वल टू के इस तरफ रहने देंगे, बाकी का नंबर वहां ले जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस 3 है तो उसको यहाँ पे ले जाए माइनस 3, मतलब यहाँ पे सिर्फ जो है वो रूट 2 रखे, रूट 2 और इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन बी माइनस 3, ए अपॉन बी वैसे ही ये अलग से माइनस 3। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करना है कि इसको एलसीएम करो, ये करो, कुछ भी नहीं, बस इक्वल टू के इस तरफ रूट बताना है। तो अगर यहाँ पे आ गया सपोज ये रूट 2, ये आ गया रूट 2, तो बस वही सेंटेंस फिर से लिखेंगे कि बट रूट 2 इज इरेशनल, जैसे यहाँ पे लिखा ना वैसे ही कि बट रूट 2 इज इरेशनल, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही है कि रूट 2 इज इरेशनल एंड इट्स इक्वालिटी इज ऑल्सो इरेशनल, कि रूट टू इरेशनल है तो उसकी इक्वालिटी ये भी इरेशनल हुआ, ए अपॉन बी भी इरेशनल, मतलब हमने जो सपोज किया वो रॉन्ग, सो अवर सपोज इज रॉन्ग एंड ये 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। पर टू मार्क्स में है भाई, सिंपल प्रूफ दैट लिखना है, कोई जो डिटेल में नहीं, सिंपल है ना, बस इतने स्टेप लिखने हैं, फिर नीचे का ये सेंटेंस सब में सेम। कभी और भी कोई पूछे, जैसे सपोज और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अब वो लिख लेना सेम सेंटेंस उसमें। कभी और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे सपोज पूछा हुआ है 4√7 − 2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है, तो इसको भी वैसे ही करो कि 4√7 − 2 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सपोज ही करो कि सपोज 4√7 − 2 इज रेशनल नंबर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेथड सीख लो कैसे लिखना है, फिर नंबर वहां पे कोई भी पूछे ना, अब वैसे आंसर लिखना कि 4√7 − 2 इज रेशनल नंबर, सपोज वैसे। तो अगर वो रैशनल नंबर है तो वैसे ही रखेंगे कि सो 4√7 − 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, कि उसको ए अपॉन बी में लिखा जा सकता है, वेर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, बराबर। तो ये यहाँ पर हुआ, अब रूट यहाँ रखना है, बाकी के नंबर वहां ले जाओ। तो बाकी के नंबर वहां ले जाना मतलब कि जैसे पहले माइनस 2 है तो माइनस 2 उस तरफ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये 4√7 वैसे ही कि 4√7 इक्वल टू ए अपॉन बी और ये प्लस 2, माइनस 2 वहां जाएगा, प्लस 2 अलग से, और यहाँ रूट रखना है तो 4 यहाँ ले जाए, 4 डिवाइड में ना, अब खाली बी के डिवाइड में नहीं है, पूरे के ही डिवाइड में आएगा, प्लस में है तो, प्लस में है तो पूरी वैल्यू रहेगी ना, कि ए अपॉन बी प्लस 2 उसका पूरा डिवाइड 4, और कोई यहाँ की कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस ये माइनस का प्लस में डिवाइड में ले गए, इस तरफ अकेला रूट बचाना वही हमें करना है, कि इस तरफ अकेला रूट बचाना है। तो यहाँ पे बचा √7, यहाँ पे √7 आया, फिर से वही सेंटेंस लिखेंगे कि बट √7 इज इरेशनल, जैसे उसमें लिखा कि बट √7 इज इरेशनल सो इट्स इक्वालिटी इज ऑल्सो इरेशनल, कि उसकी इक्वल में आने वाले नंबर भी इरेशनल है, मतलब ए और बी भी इरेशनल होंगे, सो अवर सपोज इज रॉन्ग, तो हमने जो सपोज किया वो रैशनल है, वो रॉन्ग है, कि अगर ये जो है वो रॉन्ग है मतलब 4√7 − 2 कैसा कहलाया, इरेशनल, नीचे का सेंटेंस सेम। समझ आई बात है, ये स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए खास, कि ऐसा ही पूछेंगे प्रूव दैट का क्वेश्चन, ठीक है ना? अगर पूछा तो एचसीएफ एलसीएम के अलावा पूछेंगे एक ही सम, तो या तो ये पूछेंगे जो हमने पहले बताया है, या तो ये, कुछ लॉजिकल सम आ सकते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आ सकते हैं जो अब इसके साथ बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के साथ।
तो ये दोनों हमारे मेथड क्लियर हुई ना, ध्यान से समझना भाई, ये दोनों क्लियर हुए हमारे। अब ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड वालों के लिए जो थोड़े से अलग क्वेश्चन अगर पूछे जा सके तो कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में समझ। तो देखो, अब अगर ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स की मेथड साथ में लिखी है, ठीक है ना, वो यहाँ पर कुछ सम्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एक तो चीज़ ध्यान रखो कि इस चैप्टर में से दो ही ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो, और टॉपिक भी हमारे चैप्टर के दो ही हैं, तो उसी टॉपिक में से आएंगे, कोई बाहर का ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। ये दो टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हैं तो ऑब्जेक्टिव भी उसके हिसाब से क्लियर होंगे। हाँ, थोड़े से ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं, वही ट्विस्ट में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे पहला हमारा HCF और LCM का टॉपिक है, तो उसके रिलेटेड ही आपको ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। जैसे सपोज एक अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखूं, तो जैसे मैंने बताया वही आपको सम में पूछ सकते हैं कि आपको ऐसे पूछे कि HCF ऑफ 12, 15, 21 वो कितना होगा बताओ, ब्लैंक्स में पूछेंगे, ठीक है ना। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि चलो इसका HCF ढूंढो, खाली HCF, वन मार्क का ही पूछना है ना। तो HCF के जैसे मैंने आपको अभी मेथड सिखाई, तो वो मेथड से ढूंढ सकते हो ना, ना ऑब्जेक्टिव है, रफ में आप लोग ढूंढ सकते हो कि चलो भाई 12, 15 और 21 है तो 12 के फैक्टर्स कर दें। 12 के फैक्टर होते हैं ना 4 थ्री सा, 4 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। थोड़ा माइंड में जल्दी करो तो जल्दी होंगे ऑब्जेक्टिव्स कि भाई 12 होता है 4 थ्री सा, 4 थ्री सा मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। फिर 15 के फैक्टर अगर करो तो वो 3 फाइव सा होता है, और 21 के फैक्टर अगर करो तो वो 3 सेवन सा होता है। और HCF ढूंढना है, HCF में क्या करते हैं कि कॉमन नंबर लेते हैं और कॉमन नंबर में उसका स्मॉलेस्ट पावर, अब कॉमन नंबर 3 है और कुछ नहीं है, और स्मॉलेस्ट पावर भी 3 है, तो HCF हमारा 3 हो गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ना, और भाई HCF है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर ढूंढना, ऐसा नंबर जो जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर होते हो, भाई ये तीनों नंबर जिससे डिवाइड हो जाते हो, ऐसा नंबर। तो सिंपल सा भी याद अगर रखो ना कि भाई 12, 15 और 21 डायरेक्टली कि तीनों कौन सी टेबल में आते हैं, 12, 15 और 21 तो तीनों 3 की टेबल में ही आते हैं, और कोई टेबल में आते हैं नहीं आते ना, तीनों 3 की टेबल में आते हैं, तो वो 3 हमारा आंसर है, वो HCF का आंसर, बरोबर। ऐसे पूछ सकते हैं ना, या कभी ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको उसमें भी क्या कहते हैं ट्रू ऑफ फॉल्स की तरह भी पूछ सकते हैं कि सपोज ऐसे पूछा जाए कि HCF ऑफ 5 एंड 15 इज 10, बताओ ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स वो बताओ। देखो मैं मेथड बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं मेथड बता रहा हूँ, एग्जाम में सम कोई भी कहीं से भी पूछेंगे, कोई भरोसा नहीं है, मेथड समझ लो कि ऐसा आया तो ये ध्यान में रखना, आपको ये मेथड सीखनी है HCF और LCM की, बाकी कहीं से भी पूछे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अरे बात ध्यान, तो भाई सपोज अगर ऐसे है कि HCF ऑफ 5 और 15 इज 10 ट्रू या फॉल्स, तो वो बताना है कि हाँ भाई दोनों का HCF 10 हुआ, या तो आप सम करके चेक कर लो कि दोनों का HCF 10 है, या डायरेक्टली सॉल्व करो। अगर सम करो तो देखो जैसे 5 के फैक्टर है तो 5 के फैक्टर तो 5 ही रहते हैं, खाली 5 ही रहता है और तो वो कोई टेबल में ही नहीं आता। 15 का फैक्टर होता है 3 5 सा, तो HCF के लिए दोनों में कॉमन देखते हैं तो दोनों में कॉमन 5 है, तो मतलब HCF 5 होना चाहिए 10 नहीं। या नॉर्मली भी कि 5 और 15 दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, क्या दोनों 10 की टेबल में आते हैं, HCF का मतलब वो ना कि वो कौन सी टेबल में आ रहे हैं, क्या दोनों 10 की टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो मतलब आंसर क्या हुआ हमारा, फॉल्स, बरोबर ना। कभी फॉल्स की जगह ट्रू भी या कुछ भी पूछ सकते हैं, मेथड याद रखो भाई, कोई भी ऐसे पूछे कि हाँ भाई इसका HCF ये है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं। अरे ना बात ध्यान, हाँ कभी एक ये पूछ सकते हैं कि सपोज हमारे HCF और LCM की एक फार्मूला है, ठीक है ना, एक स्पेशल फार्मूला है, वो अगर आपको बताऊं कि HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ये हमारा एक चैप्टर का रूल है ना, है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में ये यूज होता है ना, स्टैंडर्ड वालों को कभी 2 मार्क के सम में भी ये पूछ लेते हैं, कभी 2 मार्क के सम में भी ये पूछ लिया जाता है स्टैंडर्ड वालों को, यहाँ ऑब्जेक्टिव में ये खास यूज होता है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए। एक रूल है कि कोई भी ए और बी मतलब कोई भी 2 नंबर हो तो उनका HCF इंटू LCM इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये रूल आता है ना कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से जो है, कभी HCF या LCM कोई एक चीज दी गई हो तो दूसरी चीज डायरेक्ट फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं, बराबर। जैसे देखो एक अगर सम बताएं ऑब्जेक्टिव वाइज, सपोज ऐसा आता हो कि HCF ऑफ 16 एंड 56 इक्वल टू 8 है, तो हमें फाइंड करना है LCM ऑफ 16 एंड 56,
वो हमें फाइंड करना है। सपोज ऐसा क्वेश्चन है, बराबर, कि भाई 1656 का एलसीएम ये, एचसीएफ ये है और एलसीएम ढूंढना है इसका। 16 और 56 वो ए और बी दो नंबर्स हुए, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ढूंढना है। तो इस रूल के हिसाब से याद रख सकते हैं हम, ये रूल नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव में इसके ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं, है ना। ट्विस्ट मतलब, एक तो वो भी ध्यान रखो कि ट्विस्ट मतलब जब भी हम बात करें स्टूडेंट घबरा जाते हैं, अरे यार कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे। यार मैथ्स में आप रूल याद रखो, कैसे भी पूछे ना वो रूल ही हमें लगाना है, तो आपके आंसर आ जाते हैं उसमें। अब जैसे ये है कि एचसीएफ और एलसीएम है हमारा, तो अगर एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम ढूंढे, तो हमारा ये रूल है ना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये शॉर्ट में लिखा जाता है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी तो दो नंबर ही है, ठीक है ना, तो वो भले ना लिखो तो ये रूल है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। उसमें आपको एचसीएफ दिया हुआ है ना, एलसीएम ढूंढना है, तो इसी फार्मूला में वैल्यू रखे ना कि सपोज एचसीएफ दिया हुआ है 8, एलसीएम हमें फाइंड करना है, बराबर, और इक्वल टू ए इंटू बी, तो ए और बी में नंबर है 16 और 56, है ना, ये नंबर इसमें 16 और 56। तो अब एलसीएम अगर फाइंड करना है तो 8 कहाँ आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा डिवाइड में। तो 8 अगर डिवाइड में आ गया, मतलब एलसीएम इक्वल टू 16 इंटू 56 अपॉन 8, ओके ना, 16 और 56 और डिवाइड बाय 8। तो अब जो है वो इसको कट करें, कि अब कट करें अगर, जैसे ये कट हो जाएगा कि 8 टू जा और 56 इंटू 2, मतलब एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना कि 112, ये एलसीएम मिल गया 112। अरे बात ध्यान, सिंपल है ना, कि एचसीएफ या एलसीएम को एक चीज दी गई हो तो दूसरी हम फाइंड कर सकते हैं, ये रूल से ध्यान में रखना। कभी स्टैंडर्ड वालों को ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जा सकता है, या बेसिक वालों को ऐसा ही क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, सिंपल ही है यार, 1 मार्क का ही समय है, ठीक है, रूल याद रखो ये। अब कभी ऐसा ही क्वेश्चन, एक और लॉजिक से बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप नोट कर लेना बुक में, रिविजन के वक्त ये काम आएंगे। के अगर जो है वो फिर से इसको हम लोग बता दें एक और क्वेश्चन से, जैसे मैंने एक लिखा हुआ है कि यहाँ पर सपोज एच सी एफ ऑफ 253 एंड 440 इक्वल टू 11 एंड एलसीएम ऑफ 253 एंड 440 इक्वल टू 253 इंटू आर, 253 इंटू आर, सो फाइंड आर। अब इसे लॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं, जहां स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई, सीधे आप वैल्यू रखो, आंसर आ जाता है। स्टैंडर्ड वालों को जब ऐसा लॉजिक पूछते हैं तो घबराते बिल्कुल भी नहीं है भाई। जैसे एक क्वेश्चन है ना, एचसीएफ ऑफ 253 एंड 440 11 दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है ये 253 इंटू आर, ऐसे एलसीएम दिया हुआ है, तो हमें आर की वैल्यू ढूंढनी है, एचसीएफ एलसीएम नहीं, अलग से आर की वैल्यू। तो जब आपको एचसीएफ और एलसीएम साथ में ही है और दिया भी हुआ ही है, तो यही रूल है भाई चैप्टर का, एक ही रूल, वही रूल हमें अप्लाई करना है इसमें। तो यहाँ पर भी यही रूल हम लोग अप्लाई करें, कि हमारा रूल आता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये रूल याद आ गया। अब यहाँ सबकी वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखो तो जो मिसिंग वैल्यू है खुद ब खुद मिल जाएगी। अगर वैल्यू रखें जैसे एचसीएफ, तो एचसीएफ की वैल्यू है हमारी 11 इंटू एलसीएम, तो एलसीएम की वैल्यू भी दी गई है, देखो 253 इंटू आर, तो जो दिया हुआ है वो लिखते जाओ ना, कि एलसीएम की वैल्यू है 253 इंटू आर इक्वल टू ए इंटू बी, इक्वल टू ए इंटू बी, ए और बी में ये दो नंबर होते हैं ना जिसका आप एचसीएफ ढूंढ रहे हो, तो वो दो नंबर है 253 इंटू 440, बराबर, 253 इंटू 440, सबकी वैल्यू रख दी ना। अब ढूंढना क्या है, ढूंढना हमें आर है, ये आर की वैल्यू ढूंढनी है, तो जो बाकी के नंबर है वो बाकी के नंबर क्रॉस में ले जाओ ना, इक्वल टू के उस साइड, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में ले जाओ, तो मतलब आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पर कि 253 इंटू 440 और यहाँ ये डिवाइड में 11 इंटू 253, बराबर ना, 11 इंटू 253 ये। अब कट करो तो आर की वैल्यू मिल गई, कितना सिंपल है, वही एक ही रूल एक ही होता है, आपको बदल बदल के पूछेंगे ना कुछ भी। तो यहाँ पे अगर हम कट करें, देखो 253 तो कट हो जाएगा, और 440 डिवाइड बाय 11 करो तो आर इक्वल टू मिल गया हमारा 40, कि ये आंसर हो गया आर इक्वल टू 40, सिंपल है ना, बराबर। तो ये एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ढूंढ सकता है ना, इस मेथड के कोई भी लॉजिकल आपको क्वेश्चन पूछे 1 या 2 मार्क में, तो वो ध्यान रहने चाहिए, कभी ऐसे पूछे लॉजिकल,
इसी में ही एक दो जो है वो और लॉजिकल हैं, HCF और LCM के, वो भी देखते हैं हम लोग। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो इसमें कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स 960 एंड 2048, एंड यहाँ पे है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 21। अब ऐसा क्वेश्चन है, अब इसमें स्टूडेंट पूछते हैं क्या फाइंड करें, HCF फाइंड करें क्या LCM फाइंड करें। अरे यार सिंपल सा वो रूल याद रखो ना, HCF और LCM का मतलब क्या होता है कि HCF मतलब हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर होता है, और LCM मतलब कहलाता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। बराबर, फैक्टर मतलब ये कि ऐसा नंबर जिसकी टेबल में सब नंबर आते हो। सपोज अगर 12, 15 और 21 है, उसका HCF ढूंढना है। HCF मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जो ये तीनों नंबर उससे डिवाइड हो जाते हो, तीनों नंबर उससे डिवाइड हो जाते हो। और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल आगे का बड़ा नंबर ढूंढना है। कि भाई मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो नंबर इन तीनों से डिवाइड होता हो। अब और कंफ्यूजन लग रहा है, इसीलिए ये सिंपल सा जो है वो रूल याद रखा करो कि अब जैसे ढूंढना के फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो दोनों में ही लिखा हुआ है, आप दोनों में HCF ढूंढ लेते हो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट समझ के। नहीं भाई, यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 960 एंड 2048, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस। अरे बात ध्यान, तो यहाँ पे फर्क है कि जब डिवाइड से ऐसा नंबर जो इनसे डिवाइड होता हो, तो इसका मतलब हमें HCF ढूंढना है। जब दिया हुआ ना कि नंबर दैट डिवाइड्स, तो हमें HCF फाइंड करना है। ये सिंपल सी ट्रिक याद रख लो, वर्ड याद रख लो, जब क्वेश्चन में दिया गया हो कि फाइंड नंबर दैट इज दैट डिवाइड्स के दिस नंबर, तो हमें ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। और जब अगर दिया गया हो कि फाइंड ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय या तो फिर डिवाइड्स बाय के, डिवाइड्स बाय ऐसे दिया गया है, डिविजिबल या डिवाइड्स बाय दिया गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है? LCM ढूंढना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 960 एंड 2048, डिवाइड्स मतलब याद रखो HCF ढूंढना है। सिंपल सा ट्रिक, चलो डिटेल अगर डीप में नहीं जा रहे हो तो सिंपल सी ट्रिक याद रख लो, नोट कर लो बुक में। लिखा हो कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस, तो हाँ डिविजिबल मतलब LCM ढूंढना है, ठीक है ना। तो एग्जाम में जब पूछे तो दूसरी चीज मत ढूंढ लेना। या कितने स्टूडेंट करते हैं कि हमने दोनों ढूंढ लिए, अरे दोनों ढूंढ लिए तो ठीक है, 2 मार्क का सम आता है जो उसमें दोनों ढूंढ लिए, चलो एक बार चल जाएगा। पर ऑब्जेक्टिव में कैसे, कि कभी अगर आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछे कि 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 16 एंड 80, ट्रू और फॉल्स। अब इसमें है कि 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16 एंड 80, तो अब इसमें क्या करें? तो ऐसे में ही ये चीज याद रखते हैं भाई, चल 2 मार्क में आपने दोनों ढूंढ लिए, शायद एक बार चल जाए, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। पर ऑब्जेक्टिव के लिए तो याद रखो ना, कभी ट्रू और फॉल्स, कभी जो है वो क्या कहते हैं कि ब्लैंक्स में पूछे। अब यहाँ पे 8 दिया हुआ है, सपोज आपको ब्लैंक पूछते, ट्रू और फॉल्स नहीं पूछते, ब्लैंक पूछते कि ब्लैंक इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16 एंड 80, तो क्या ढूंढोगे, HCF के LCM? अब 1 मार्क जो ऑब्जेक्टिव है उसमें थोड़ी, अगर MCQ भी है, MCQ में दोनों आंसर होंगे, HCF का भी LCM का भी, तो उस वक्त याद रखते हैं भाई, मेहनत करनी है कि ये चीजें याद रखो। अरे बात ध्यान, तो ये याद रखो डिवाइड्स मतलब हमें फाइंड करना है HCF। तो भाई 16 और 80 का अगर HCF करो तो उसका HCF 16 ही आएगा, वो है जो मैंने पहले पूछा था कि 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ट्रू और फॉल्स, तो उसमें फॉल्स है, 8 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, 16 है ग्रेटेस्ट नंबर, 16 HCF है जो दोनों की टेबल में आता। अरे बात ध्यान, बरबर। तो ये वर्ड्स एक तो याद रखना, ये एक रूल जो ऑब्जेक्टिव के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स के लिए लॉजिकली रूल से ही याद रखो, बाकी कहीं से भी पूछते हैं। एक जैसे ये है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ P1 एंड P2 आर प्राइम नंबर्स फाइंड द HCF एंड LCM, कि P1 और P2 प्राइम नंबर है, तो उसका HCF और LCM ढूंढो। तो अब एक और रूल ऑब्जेक्टिव के लिए और रूल जो है वो याद रख लो, कि अगर कोई भी दो नंबर, इफ ए एंड बी, ए और बी मतलब कि कोई भी दो नंबर हो, है ना, भले उसमें P1 P2 दिया हुआ है कि कुछ भी दिया हुआ है,
कि इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, कि कोई भी दो नंबर अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पता है ना, जो कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, जो किसी की टेबल में नहीं आते, अगर कोई दो नंबर प्राइम नंबर्स हैं, ये अगर माइंड में रह रहा है, तो उसका एच सी एफ वो हमेशा वन रहता है, प्राइम नंबर का एच सी एफ हमेशा वन। अब दो की जगह तीन नंबर भी होते हैं, लिखे होते हैं कि तीनों प्राइम नंबर है ए बी सी, तो भी एच सी एफ वन ही रहता है। प्राइम नंबर मतलब जो कोई टेबल में नहीं आता है, तो उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है उसका, इसलिए एच सी एफ उसका हमेशा वन। और ऐसे नंबर का एल सी एम वो हमेशा उन नंबर का मल्टीप्लाई होता है, ए मल्टीप्लाई बी, बराबर। कि ए और बी अगर प्राइम नंबर्स हैं, तो उसका एच सी एम हमेशा वन रहेगा और एल सी एम उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। ये एक रूल हमेशा याद रख लो प्राइम नंबर्स के लिए। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, ये वन मार्क में पूछते हैं कि पी वन और पी टू प्राइम नंबर्स हैं, तो उसका एच सी एफ और एल सी एम ढूंढो, तो वन मार्क है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि पी वन और पी टू प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब उसका एच सी एफ वन, बिना देखे प्राइम नंबर है मतलब एच सी एफ वन हो गया उसका। और एल सी एम, तो एल सी एम में भी बिना देखे उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई, मतलब एल सी एम हो जाएगा पी वन इंटू पी टू, अल्फाबेट ही दिया हुआ है तो सीधा मल्टीप्लाई लिखेंगे ना उसमें। अरे बात ध्यान, ये टॉपिक ध्यान में रखना। हाँ, कभी आपको इसमें ऐसे भी पूछते हैं, यही रूल वाइज भी ऐसे पूछा हुआ है कि इफ एच सी एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू वन, सो एल सी एम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे पूछते हैं कि एल सी एम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू वन, सो एच सी एफ ऑफ, सो एल सी एम इज डैश। अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि अगर एल सी एम ऑफ एक्स एंड वाई इज वन, कि अगर एल सी एम वन है तो मतलब 100% वो दोनों प्राइम नंबर है। एच सी एफ किसका वन आता है, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो एच सी एफ वन आता है, तो वो प्राइम नंबर जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बरबर। तो अगर किसी का एच सी एफ वन ही दिया हुआ है, तो एल सी एम हमेशा कैसे मिलेगा, उन दोनों के मल्टीप्लाई से। एल सी एम हमेशा कैसे मिलेगा वहां पर, तो दोनों का मल्टीप्लाई, तो मतलब यहाँ पे एल सी एम हो जाएगा कौन सा, एक्स इंटू वाई। अरे बात ध्यान, सिंपल है ना, ये रूल याद रखना भाई, उसके हिसाब से कैसे भी पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज कि जो इरेशनल वाले हैं, वो इरेशनल वाले जो है वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक टॉपिक एच सी एफ एल सी एम के सब जो है वो ऑलमोस्ट मैंने देखे हैं, ठीक है, कि भाई हाँ ऐसे 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 पूछ सकते हैं। बाकी तो आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, शायद कुछ अलग पूछ ले। अगर कोई अलग क्वेश्चन आपको ध्यान में आता हो या कोई बुक में रीड कर रहा हो, तो मुझे कॉमेंट में लिखो, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने की, है ना, मतलब अगर जैसे हुआ मैं आपको उसको कमेंट में रिप्लाई दूंगा कि इसको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं कि फिर जो है वो आप सभी जो है वो क्वेश्चंस उसमें लिख दो कमेंट में, तो इतना सारा टाइम नहीं रहेगा कि मैं सब सॉल्व कर सकूं, बराबर। तो कभी अगर लगे पहले खुद ट्राई करो, कुछ नहीं लग रहा है तो कॉमेंट में लिखो, मैं ट्राई करता हूँ फिर। तो देखो एच सी एफ एल सी एम के लॉजिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाइज देखे, अब इरेशनल वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक के, तो इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। रैशनल इरेशनल में एक ही पूछा जाता है, आपको नंबर होता है और बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल। ब्लैंक्स में ट्रू और फॉल्स में पूछते हैं, आपको कभी ऐसा लिखा जाता है कि 3+√4 इज रैशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स, बराबर ना, ट्रू और फॉल्स, कि 3+√4 वो रैशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रूट है मतलब हमेशा इरेशनल ही हो, इरेशनल मतलब वो ना जो कोई टेबल में ना आता हो, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, रूट में ही रहता हो, तो वो इरेशनल कहलाए। अब ये रैशनल है ट्रू या फॉल्स, तो उसमें देखते हैं कि जो रूट दिया हुआ है वो रूट का कोई आंसर आ रहा है, तो हाँ रूट का आंसर आ रहा है। यहाँ पे 4 का रूट देखो तो 4√2 होगा ना, 4√2, मतलब ऐसे हो जाएगा इसका आंसर कि 3+√2 आ जाएगा, और 3 और 2 हो गया हमारा 5, तो 5 तो हमारा रैशनल नंबर है ना, तो हाँ ये ट्रू कहलाया कि 3+√4 वो रैशनल नंबर है, बराबर। ऐसे पूछते हैं, या कभी ऐसे पूछे कि 7+√5 इज रैशनल नंबर, अब बताना है कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, कि 7+√5 वो रैशनल है कि नहीं है। तो यहाँ पे अब रूट फाइव का कोई आंसर नहीं आएगा, तो लिख सकते हैं हाँ ये इरेशनल है, फॉल्स, रैशनल नहीं है। ये मैंने ट्रू और फॉल्स में लिख रहा हूँ, कभी ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं, कभी मैचिंग में पूछ लें, ऑब्जेक्टिव कोई भी पूछेंगे उसका भरोसा नहीं, इसलिए मेथड याद रहनी चाहिए। कभी आपको ये पूछते हैं कि पाई इज डैश नंबर, ब्लैंक में पूछते हैं पाई की वैल्यू क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, तो पाई हमेशा इरेशनल रहता है। पाई की वैल्यू वो हमेशा कैसी रहती है, इरेशनल रहती है, कि भाई पाई की वैल्यू हमेशा इरेशनल है।
अरे बात ध्यान, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे? इसके ऑलमोस्ट यही पूछे जाएंगे, रैशनल इरेशनल। हाँ, कभी अगर ऐसा भी पूछा जाए भाई इनके लिए ही, कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि सपोज √2 + 3 एंड √2 - 3 ये रैशनल है कि इरेशनल है, वो बताओ। तो कभी ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे ना उसको। देखो भाई, मैथ्स है ना, तो मैथ्स में सब चैप्टर, पहले के स्टैंडर्ड, इन सब बातें ऑलमोस्ट कंबाइन होकर आती है हमें। तो कभी आपको ऐसे पूछे कि 2 + √3 एंड 2 - √3 ये रैशनल के इरेशनल, सॉल्व करो, तो ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना कि √2 उसका कोई जो है वो रूट नहीं निकलता, 2 का मतलब वो इरेशनल है। पहले सॉल्व होता हो तो सॉल्व करो। यहाँ कोई सॉल्व नहीं हो रहा था, 7 + √5, तो हमने कुछ नहीं किया, वो डायरेक्ट इरेशनल, बराबर ना, फॉल्स लिख दिया हमने। पर यहाँ अगर ऐसा आता हो कि बताना है ब्लैंक्स है या ट्रू और फॉल्स में कि ये क्या है, रैशनल के इरेशनल, तो सॉल्व करेंगे। हमारी वो आइडेंटिटी है ना, देखो मैं यही लिख रहा हूँ, यहाँ भर गया है तो यहाँ की आइडेंटिटी हमारी आती है, पता है, a + b और a - b, तो उसका आंसर आता है a² - b²। तो यहाँ पे भी सेम नंबर, एक प्लस एक माइनस में है, तो दोनों का स्क्वायर होता है ना, कि एक बार √2 का स्क्वायर और माइनस एक बार 3 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो ओनली 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9, बराबर, और 2 - 9 तो 2 - 9 होगा -7, बराबर, रूट हट गया, मतलब हाँ वो रैशनल नंबर है। ब्लैंक में पूछे या ट्रू और फॉल्स में पूछे तो ध्यान रखेंगे कि हाँ -√7, -7 वो रैशनल में आ गया। अरे बात ध्यान, चैप्टर का रिवीजन समझ में आ रहा है? तो आज day 1 ये रिवीजन देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, बाहर के क्वेश्चंस हैं, तो उसको एक बार प्रैक्टिस करो, मेथड सब लोग फटाफट से जो है वो समझ लो, ना ध्यान आता और भी कुछ तो मुझे कमेंट में बताओ फिर, ठीक है? तो आज का हमारा शेड्यूल मैथ्स का था और साथ में गुजराती का था। गुजराती के 1 और 2 चैप्टर्स, उसके तो क्वेश्चन आंसर्स याद करने, पर क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ लेखक और कवि का नाम, साहित्य प्रकार वगैरह ये सब भी नोट करके लिखना, ठीक है ना? गुजराती के वीडियोस, अगर ये चैप्टर 1 2 डिटेल में समझना है, देखो गुजराती हिंदी के चैप्टर उसके रिवीजन में तो नहीं हो पाए, क्योंकि उसको मैं जो है वो कैसे बताऊँ, उसका ग्रामर का रिवीजन डिटेल में मैं करवाऊंगा। चैप्टर वाइज रिवीजन है तो वो तो क्वेश्चन आंसर्स आपको याद करने, और चैप्टर अगर समझने 1 और 2 तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख रहा हूँ, आप एक बार चैप्टर फटाफट से वहां से सुन लो तो चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको, ओके? तो चलो आज day 1 का शेड्यूल अच्छी तरह से कंप्लीट करो, कल फिर day 2 हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।